नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आपने क्रिकेट की पिच पर न जाने कितने खिलाड़ियों को देखा होगा, कितने खिलाड़ियों को कामयाब होते देखा होगा, कितने खिलाड़ियों की न जाने आपने कहानियां सुनी होंगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे जुनून से मिलवाऊंगा, एक ऐसे छोटे बच्चे से मिलवाऊंगा जिसकी कहानी सुनकर आप कहेंगे वास्तव में जोश और जुनून हो तो ऐसा। मेरे साथ एक बच्चा है, बेशक उम्र में छोटा है लेकिन उसकी छोटी उम्र उसके ना तो जोश को कम कर पाई है ना ही जुनून को कम कर पाई है। और सबसे बड़ी बात कि वो बच्चा डिसेबल है, वो बच्चा ना बोल सकता है ना सुन सकता है, उसके बावजूद उस बच्चे की कहानी बड़ी भावुक है। आइए मेरे साथ, मैं उस बच्चे को आपसे मिलवाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमारे साथ बच्चे के कोच हैं। सर देखिए, जो बच्चे बोलते हैं सुनते हैं उनसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बच्चे बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते उनको समझाने में कैसी परेशानी आपको आती है? सबसे पहले सर, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो आती है इसको समझाने में, इसको जैसे बात करना है कैसे बात करना। जब जब मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड करता गया तो मुझे अब इजी हो गया। अब ये मेरे को फॉलो करता है, अब इसको एक ही कमांड देता हूँ मैं तो उस चीज को समझ जाता है, चाहे वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, तो अब मेरे लिए वो इजी वर्क है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया था जब हम आपसे बात कर रहे थे कि ये बच्चा आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है, आपके घर पे भी जाता है, तो कैसी इस बच्चे की मतलब हालचाल रहता है, कैसी बातचीत करता है, किस तरीके से आपसे क्रिकेट के बारे में बात करता है? सर अभी आपको पता IPL हो रहा है तो इसका मेरे साथ ऐसा एक लिंक हो गया, जैसे खुद का एक पर्सनल बच्चा होता है तो ये ऐसा मेरे साथ इसका लिंक हो गया। अब इसका घर, वो मेरा घर यानी के पास में ही है, तो जैसे स्कूल की छुट्टी होती है स्कूल के बाद तुरंत बैग निकालेगा, ड्रेस निकालेगा, सीधा मेरे घर पे आ जाएगा। घर पे आएगा, मेरे से बातचीत करेगा कि मैच कब है, IPL का मैच कब है, कौन सी टीम है, तो मैं डिस्कस करता हूँ तेरा प्लेयर कौन सा फेवरेट है, मेरा कौन सा है, तो जैसे मेरे से लड़ता है कि आज आपका प्लेयर हारेगा मेरा जीतेगा, आज मेरा प्लेयर विकेट लेगा आपका लेगा, तो वो अच्छा लगता है मुझे कि इतना इसको क्रेज है विकेट का। जैसे अगर घर पे ही बैठा होगा तो मुझे वीडियो कॉल करता है कि सर 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 आउट हो गया बैट्समैन आउट हो गया, तो मैं अगर हाँ ठीक है ओके तो ऐसा। तो देखिए, आप सुन रहे होंगे ये कोच है, इस बच्चे के कोच है, और ये बच्चा वीडियो कॉल करके सर से बात करता है तमाम बातें हैं। उसके बाद में इस बच्चे के देखिए, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये बच्चा कैसे खिलाड़ियों को पहचानता है, इसका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, फेवरेट बल्लेबाज कौन है। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा इस बच्चे के फेवरेट खिलाड़ी के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। सर इससे पूछे इस बच्चे का फेवरेट खिलाड़ी कौन है, बल्लेबाज? सर ये बोल रहा है 7 नंबर जर्सी नंबर, सर ने इशारा किया 7, इसका मतलब 7 नंबर जिस खिलाड़ी की जर्सी का है उस वो खिलाड़ी इसका फेवरेट है। अब 7 नंबर के बारे में तो दुनिया जानती है किसका 7 नंबर है, 7 नंबर है महेंद्र सिंह धोनी का। तो महेंद्र सिंह धोनी इस बच्चे का फेवरेट खिलाड़ी है, और महेंद्र सिंह धोनी की तरह बच्चा शॉट खेल कर दिखाएगा आपको। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए इस बच्चे का शॉट देखिए किस तरीके से धोनी की तरह बच्चा शॉट खेल कर दिखाएगा। हाँ, ये बात ये है हेलीकॉप्टर शॉट धोनी का, एक बार दोबारा से खेल के दिखाएगा हेलीकॉप्टर शॉट धोनी का ये बच्चा खेल। ये बात, ये महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट शॉट है और हेलीकॉप्टर शॉट ये बच्चा खेलता है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का सबसे फेवरेट शॉट है। अब बात गेंदबाजी की करेंगे, सर गेंदबाजी इसके बारे में पूछे इस बच्चे से कि कौन सा गेंदबाज इसका फेवरेट है। देखिए सर, ये कह रहा है 0 और 3, मतलब 0 मतलब देखिए ऐसे 0 और ये 3 मतलब जिसका 3 नंबर है, पहले 0 और फिर बाद में 3 आ गया, तो जर्सी नंबर जिसका 3 है। जर्सी नंबर 3 किसका है आपको पता होगा, यजुवेंद्र चहल का, बहुत बड़े स्पिनर है यजुवेंद्र चहल इस बच्चे का मतलब फेवरेट खिलाड़ी है। उसकी तरह ही गेंदबाजी करता है, लेग स्पिन शानदार करता है उसी गेंदबाज की तरह, और आपने गेंदबाजी इसकी देखी होगी। वास्तव में जब मैं इस बच्चे के पास आया, जब मैं अकाडमी में आया, ये सार स्पोर्ट्स अकाडमी है जहाँ पर मैं आया हूँ इन बच्चों से मिलने के लिए, इन बच्चों से बातचीत करने के लिए, और सार स्पोर्ट्स अकाडमी का ये सार है बच्चा, ये बच्चा इस अकाडमी की ताकत मुझे जान लगती है, इस अकाडमी की पहचान मुझे बच्चा लगता है, क्योंकि इस बच्चे के अंदर ना तो बोलता है ये ना ये सुनता है, उसके बावजूद इस बच्चे के अंदर जो जोश है, जो जुनून है क्रिकेट के लिए, वो आपने सर से सुना होगा कि स्कूल से आता है, स्कूल से आने के बाद बैग घर पर रखने के बाद ये सर के पास आ जाता है, और उसके बावजूद ये सारी रात IPL देखे, IPL जो 12 बजे तक चलता है IPL देखता है, IPL में डिस्कस करता है, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में बातचीत करता है, तो इससे पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर क्रिकेट का कितना जोश और जुनून है। तो इसीलिए मेरा भी मन करा कि मैं इस बच्चे का एक इंटरव्यू जरूर करूं, ताकि इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहन मिले, इस तरह के बच्चों को क्रिकेट अकाडमीज अपने यहां बुलाएं, खिलाएं, उनको सिखाएं, ताकि ऐसे बच्चे भी क्रिकेट के भविष्य के तौर पर आगे बढ़ें। तो आपका इस बच्चे के खेल को लेकर, इस बच्चे को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।